इसने सबको दिखा दिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हम एनआईए को और भारत सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ। इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज चार एक्यूज पकड़ लिया है। जो मणिपुर का प्रेजेंट क्राइसिस जो है, इसको लोग तरह तरह की तरह बोल रहा था पहले कि ये एथनिक क्राइसिस है, ये रिलीजियस क्राइसिस है, ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्राइसिस है, क्या 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 ब्ला ब्ला, यूरोपियन यूनियन यूएन कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्प्रेड कर रहा था। लेकिन अभी आफ्टर एनआईए ने ये केस पकड़ने के बाद में एनआईए ने ये प्रेस रिलीज कल ही किया है, ये जो है, ये जो मणिपुर में हो रहा है ये घटना, ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द इंडियन यूनियन बाय द कुकी मिलिटेंट फ्रॉम म्यांमार बेस एंड बांग्लादेश बेस एलोंग विथ सम मिलिटेंट फ्रॉम इंडिया। तो इट क्लियरली शोस, इसने सबको दिखा दिया है कि ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो इसलिए हम एनआईए को और भारत सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद करता हूँ, खास करके मणिपुर के पब्लिक लोग और भारत के पब्लिक लोग ने जो ये सच्चाई को लाने के लिए 3-4 महीना लगा के कई तरह तरह का मीडिया कवरेज दे के, रिपोर्ट दे के, सबको ये समझने के लाइन में आया है। इसीलिए हम सबको बधाई करता हूँ, सबको थैंक्स, और खास करके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ऑनरेबल यूनियन अमित शाह जी, खास करके ये स्टेटस में लाने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया। कितने लोगों को सर अभी फिलहाल पकड़ा गया है एनआईए की तरफ से? देखो, एनआईए की तरफ से एक केस के लिए जो क्वाक्टा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसी में इसे एक पकड़ लिया, उसको हम दिल्ली ले गया, और आज एक ब्रेक थ्रू हुआ है जो जहाँ में जो एक दो स्टूडेंट, एक लड़की और एक लड़का को जो हाइनस क्राइम उसको मर्डर किया था पकड़ने के बाद में, उसको हम लोग ने अभी तक नहीं पकड़ सका था। लेकिन कल परसों से ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो एक सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम्प करके रखा है, और कैम्प करने के बाद में विद सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज चार एक्यूज पकड़ लिया है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हैंगलेब एरिया सुशांतपुर से पकड़ लिया है, इसीलिए हम एनआईए, सीबीआई और सारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी एंड असम राइफल, हम उन लोग को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। स्पष्ट हो चुका है कि म्यांमार का इसमें संलिप्त। हाँ, कल एनआईए ने जैसे एजेंसी भारत का टॉप है उसने इन रिटर्न दे दिया ना, इसमें क्या है?